हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपाली। दीपालीज फूड रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू मटर की कटलेट, जो हम सभी को बहुत ही पसंद आती है और इसे हम सवेरे के टाइम ब्रेकफास्ट में, शाम के वक्त स्नैक्स में जल्दी से बना करके खा सकते हैं। आइए हम मटर आलू की कटलेट बनाना शुरू करते हैं। मटर आलू की कटलेट बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप धनिया पत्ती है, आधा कप पुदीना, आधा कप मटर मैंने बॉईल किया है, पांच आलू है इसे मैंने 3 सीटी कुकर में लगा के बॉईल कर लिया है, 1 कप ब्रेड क्रम्स है। तेल तलने के लिए मसाले में हमें चाहिए 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आधी चम्मच चाट मसाला पाउडर है, 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच हरी मिर्च, मैंने इन तीनों को क्रश कर लिया है, और आधा नींबू का रस। आइए हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने आलू ले लिया है, इसे हम मैश कर लेते हैं। मटर डाल देते हैं, इसे भी हम रफली मैश कर देते हैं। अब इसमें डालेंगे पुदीना, धनिया पत्ती, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, इसमें हम डालेंगे नींबू का रस, ये मैंने आधा नींबू का रस यूज किया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप ब्रेड क्रम्स और नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। मिश्रण है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसकी टिक्की बनाएंगे। आप मनचाहा शेप दे सकते हैं इसे। तेल जो है वो गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कटलेट्स। अब इसे हम दूसरी तरफ पलट लेते हैं। कटलेट्स जो है वो दूसरी तरफ से भी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे किचन टॉवल पे निकाल लेते हैं। मटर आलू की कटलेट्स रेडी हो चुकी है। अब हम इसे चीज डिप के साथ या टमाटो केचप के साथ या ग्रीन चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं।